आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ते हैं। पिछले क्लास में आपको एग्जांपल बता दिए थे। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? एफ एक मैपिंग है आर स्टार से आर स्टार में, जहां पर आर स्टार आपका सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है। बोलो तो आर स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। इसका मतलब कि ये रियल नंबर है लेकिन नॉन जीरो, यानी कि रियल नंबर से क्या हटाकर, जीरो को हटाकर। समझ गए? आर स्टार कैसा सेट है? यह एक रियल नंबर का सेट है, इसमें से जीरो को हम लोग हटा दिए हैं। तब हम लोगों को चेक करना है कि एफ एक्स बराबर 1/x आपका 1 कॉन्स्टेंट है या नहीं। हम लोगों को चेक करना है एफ एक्स बराबर 1/x 1 ऑन टू है या नहीं है। आइए हम लोग 1 ऑन टू को चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया 1 1। बोलो तो 1 1 का क्या तरीका है? याद करो 1 1 का क्या तरीका है? लेट एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 For all x1, x2 belongs to R star। हम लोग fx1 बराबर fx2 लेकर बढ़ते हैं, और यदि x1 बराबर x2 हो गया, ये आपका, समझ गए? ये आपका 1 1 होगा, अन्यथा 1 1 नहीं होगा। तो आ जाओ fx, बोलो तो कैसे डिफाइंड है? fx बराबर 1/x है ना? तो यहाँ पर fx 1 के जगह पे क्या लेंगे? 1/x1 1/x2। कोना कोने गुना कर लो तो x1 किसके बराबर हो जाएगा? x2 के बराबर। fx1 जब fx2 के बराबर है, x1 किसके बराबर हो गया? x2 के बराबर। इसका मतलब f 1 1 है। इसका मतलब f क्या है? 1 1 है। क्या लिखेंगे? Therefore f is 1 1। बोलो तो f क्या हो गया? f 1 1 हो गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? बोलो तो ऑन क्या चेक करेंगे? ऑन टू। ऑन टू में क्या है? ऑन टू का क्या तरीका है कि एक भी लड़का कुमारा नहीं बचना चाहिए, यानी कि ऑन टू में जब भी एलिमेंट लेंगे किधर से लेंगे? लड़का साइड से। और लड़का साइड से एलिमेंट लेकर हम लोगों को लड़की को दिखाना पड़ता है, हर एक लड़के को पकड़ के दिखाना पड़ता है कि वो शादी कर पाया कि नहीं कर पाया। तो बोलो तो क्या तरीका है इसमें? याद करो एल्गोरिथम क्या लिखवाए थे? लेट y बराबर f है। बोलो तो इसका क्या एल्गोरिथम है, क्या तरीका है? y बराबर क्या लेते हैं? fx लेते हैं, जहां पर x तुम्हारा है लड़की पार्टी और y क्या होता है? बोलो तो लड़का पार्टी। x लड़की पार्टी, y लड़का पार्टी। अब देखो तो एक बात बताओ, fx किसके बराबर है? 1/x। fx किसके बराबर है? 1/x। तो अभी लड़का बराबर लड़की निकाले हैं, लेकिन अब लड़की बराबर लड़का निकालना है। अब क्या करना है बोलो तो? अब लड़की बराबर निकालना है। तो लड़की तुम्हारी x है ना, तो x का मान निकालो तो कितना हो जाएगा? 1/y। x का मान निकालो तो कितना हो जाएगा? 1/y। अब जो है कि एक एक लड़का करके पकड़ो और देखो कि शादी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले देखो लड़का पार्टी क्या है। लड़का पार्टी यहाँ पर एक छोटा सा हो तो फोटो भी बना सकते हो इधर से, इस तरह से। ये आर स्टार, ये भी तुम्हारा हो गया आर स्टार, ऐसे करके एक छोटा सा फोटो बना लो। तो देखो तो लड़का पार्टी क्या है? रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में से जीरो को हटा दिया गया है। लड़का पार्टी बोलो तो क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर में से जीरो को हटा दिया है। तो आपको पिछले क्लास में भी बताया थे, ऑलमोस्ट सारा नंबर आपका रियल नंबर होता है, सिर्फ रूट के अंदर माइनस नहीं आनी चाहिए। समझिए, ऑलमोस्ट सारा नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। दिक्कत कहां पर हो जाती है? रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। एक बात बताओ, क्या यहां पर रूट वाला केस है क्या? ये तो रूट वाला केस नहीं ना है, इसका मतलब कि रियल नंबर होगा ही। देखो तुम्हारा लड़का पार्टी रियल नंबर है, लड़कियों तो रियल नंबर है ना। लड़का रियल नंबर है तो लड़की भी क्या है? रियल नंबर है। तो कोई भी लड़का उठा लो, उसके लिए लड़की मिली जाएगी। दिक्कत कब होती?
जब रूट रहता है तब रूट के अंदर माइनस आने पे दिक्कत हो जाती है। ऐसे तो कोई समस्या नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि हर लड़का की शादी हो जा रही है, इसका मतलब कोई भी लड़का उठाते तो उसकी शादी हो जाती है, यानी कि इतना बिलोंग्स टू आर, ये लड़की पार्टी है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू लड़का पार्टी, जब एक्स रहे तो लड़की पार्टी और वाई रहे तो लड़का पार्टी, ठीक। तो देयरफोर क्या लिखेगा, देयरफोर देयरफोर एफ इज ऑन टू, बोलो तो क्या लिखेगा, एफ इज ऑन टू, एफ वन वन भी हो गया और एफ ऑन टू भी हो गया। इसी क्वेश्चन में फिर से एक थोड़ा घुमाया है अलसो, ठीक। क्या कहा था, एफ एक मैपिंग है एन से आर स्टार में, देखो इसी क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, पढ़ो तो बुक निकालो तुम लोग, देखो नीचे क्या लिखा हुआ, निकालो अपना बुक निकालो। फिर लिखा हुआ है कि तुम्हारा जब आर स्टार को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एन से, यानी कि जब वो डोमेन को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एन से, एन लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो तो जिसके जिसके पास बुक अपना अपना पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, रे 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 रे, अपना बुक निकालो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, चेहरा देखने आया था तुम लोग, पढ़ो क्या लिखा हुआ, अपना अपना बुक निकाल कर पढ़ो क्या लिखा हुआ, अरे अरे पढ़ने रे, हाँ पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ, पढ़ो जहाँ आर स्टार सभी और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, हाँ फिर पढ़ो, आर स्टार को किससे बदल देते हैं, एन से, समझ गया, आर स्टार को किससे बदलते हैं, एन से, यानी कि नेचुरल नंबर हो जाता है, आर स्टार क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर, तब फिर हम लोगों को वन वन और ऑन टू की बात करना है, किसकी बात करना है, वन वन और ऑन टू की, ठीक, यानी कि डोमेन को किससे बदल दिए, एन से, किससे बदल दिए, एन से। अब आओ वन वन और ऑन टू की बात करते हैं, क्या लिखेगा, फोर वन वन, पहले वन वन चेक करो, वन वन, वन वन कैसे चेक करेंगे बोलो तो, लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, मेरे साथ सब बोलेगा, बोलो एफ एक्स वन बराबर कितना, ऊपर रखो कलम, रखो नीचे रखो कलम, एफ एक्स वन बराबर कितना, एफ एक्स टू, तो बोलो तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, वन बाय एक्स है ना, बोलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन बाय एक्स वन बराबर वन बाय एक्स टू, कोना कोनी गुना कर लो तो एक्स वन बराबर कितना हो गया, एक्स टू, ठीक तो है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एक्स वन किसके बराबर हो गया, एक्स टू के बराबर, इसका मतलब कि एफ वन वन है, क्या लिखेंगे बोलो तो, देयरफोर एफ इज वन वन, यानी कि एफ वन वन है। अब हम लोगों को किसकी बात करना है, ऑन टू की बात करना है, अब ऑन टू की बात करो, ऑन टू में बोलो तो क्या लेते हैं, लेट वाई बराबर एफ एक्स, फॉर ऑल एक्स लड़की पार्टी, लड़की पार्टी बोलो तो कितना है, नेचुरल नंबर, और वाई है लड़का पार्टी, लड़का पार्टी रियल नंबर है, लड़की पार्टी बोलो तो क्या है, नेचुरल नंबर, और लड़का पार्टी क्या है, रियल नंबर। अब बोलो तो एफ एक्स तुम्हारा कैसे डिफाइन है, एफ एक्स तुम्हारा कितना, वन बाय एक्स, एफ एक्स कितना है, वन बाय एक्स, अभी लड़का बराबर निकाले है ना, अब लड़की बराबर निकालो, अब क्या करेगा बोलो तो, लड़की बराबर निकालो तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन बाय वाई, एक्स बराबर कितना, क्या सोचता है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन बाय वाई, ठीक है। अब एक एक करके लड़का पकड़ो और देखो कि शादी हो पाती है कि नहीं हो पाती, पहले देख लो, देखो तो तुम्हारी लड़की क्या है बोलो तो, लड़की है नेचुरल नंबर, लड़का क्या है, रियल नंबर, लड़की बोलो तो क्या है, नेचुरल नंबर, लड़का क्या है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, और रियल नंबर का मतलब ऑलमोस्ट सारा संख्या, सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर माइनस नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि तुम दो नंबर लड़का को पकड़ो, कौन नंबर लड़का, दो नंबर, तो दो नंबर लड़का पकड़ेगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन बाय टू,
तो x को तो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ना। तो क्या 1 बाय 2 तुम्हारा नेचुरल नंबर है क्या? 1 बाय 2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो कम से कम एगो तो फेल हो गया, कम से कम दो नंबर लड़का की तो शादी नहीं हो पाई। बाद बाकी चेक करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन एक बात बताओ कि क्या दो नंबर लड़के की शादी हो पा रही है? इसका मतलब ऑन टू नहीं है, हमको दुनिया भर के नहीं दिखाना है, कम से कम एक लड़का कुमारा रहना चाहिए। तो क्या करेगा, कितना लिखेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू लड़की पार्टी। एक्स लड़की है ना, लड़की क्या है बोलो तो, फॉर ऑल हाँ y belongs to, अब y लिए तो लड़का पार्टी ने लिए, लड़का पार्टी आर स्टार, लेकिन तुमको रीजन दिखाना पड़ेगा। इस y बराबर दो नंबर लड़का उठाया, कौन लड़का उठाया, दो नंबर का लड़का उठाया, बट x बराबर 1/2 does not belongs to लड़की पार्टी। दो नंबर का लड़का उठाए, लेकिन दो नंबर लड़का तो ठीक है उठा लिए, लेकिन दो नंबर लड़का के लिए कोई लड़की नहीं मिली, मिली नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्या लिखेगा, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं। ठीक, चलो फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, कहता है कि आपको 1-1 और ऑन टू चेक करना है। बोलो तो क्या चेक करना है, 1-1 और ऑन टू। आपका मैपिंग 5 दिया हुआ है, एक मैपिंग है n टू n, fx बराबर x स्क्वायर, फिर आपका जो है ना कि सेट बदल दिया, यहाँ पर नेचुरल नंबर था, यहाँ पर z ले लिया, z का मतलब इंटीजर हो जाता है, इधर रियल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया। याद रखो बेटा कि आपका जो है फंक्शन आपका सेम, देखिए यहां से यहां तक आपका एक्स स्क्वायर ही है, और ये दोनों एक्स क्यूब है, लेकिन फंक्शन के इधर आपका डोमेन और को डोमेन के बदलने से आपका 1-1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा ये भी आपका बदल जाता है, समझ गए। यानी कि आपका डोमेन और को डोमेन पर भी डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन 1-1 होगा कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। बात समझ गए मेरी, यदि बात समझ गए तो अब इधर आकर एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बोलो तो फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक मैपिंग है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और एफ एक्स बराबर बोलो तो कितना है, एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले क्या करो, एक छोटा सा फोटो बना दो, एग्जाम में ऐसे फोटो बनाएगा ना तो इससे क्या होगा कि आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बेटा जानता है और नंबर दे देगा। अब बोलो तो क्या चेक करना है, 1-1। बोलो तो क्या चेक करना है, 1-1। अब तो समझ में आ गया होगा ना 1-1 का क्या तरीका, बोलो तो लेट fx1 बराबर कितना, fx2। आवाज एगो दोगो का आ रहा है, बोलो fx1 बराबर कितना, तो fx बोलो तो कैसे डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर बराबर कितना, एक्स टू स्क्वायर। यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू कहाँ था, एक्स वन एक्स टू हमेशा लड़की पार्टी होता है, लड़की पार्टी बोलो तो कितना है, नेचुरल नंबर, लड़की पार्टी कितना है, नेचुरल नंबर है, हाँ यानी तो एक्स वन स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक्स टू स्क्वायर। और कल ही बोले थे हम यदि इवन पावर रहेगा तो प्लस माइनस में आ जाता है, इवन पावर किस में आता है, प्लस माइनस में, यानी कि यहाँ से बोलो तो एक्स वन बराबर कितना हो जाएगा, एक्स टू, किस में, प्लस माइनस में, बोलो तो किस में, प्लस माइनस में। लेकिन कोई भी चीज आंख बंद करके नहीं करना है, आपको किसी भी चीज पर विचार करना है, यदि कोई चीज सत्य हो रहा है तो हमेशा सत्य नहीं होगा, वो सेट के बदलने से आपका फर्क पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर लड़की पार्टी आपके नेचुरल नंबर है, लड़का पार्टी नेचुरल नंबर है, तो आप एक्स वन एक्स टू कहाँ से लिए हैं, लड़की से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, लड़की से, लड़की क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो आपका माइनस कभी भी नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस ही लेना पड़ेगा।
यही यदि आपका सेट ऑफ इंटीजर रहता ना, हम लोग प्लस माइनस ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस आपका नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स वन एक्स टू दोनों लड़की है, और लड़की तो आपका, लड़की तो आपका क्या है, नेचुरल नंबर है ना। समझ में आ गया बात को? तो अब देखो तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू और एक्स वन बराबर एक्स टू हो गया, इसका मतलब बोलो तो क्या मिला? Therefore, बोलो क्या मिला? F is 1-1. बोलो तो क्या मिला? F is 1-1. अब हम लोगों को क्या चेक करना है? लेटो. क्या लेटेगा बोलो तो? अब तो समझ में आ गया होगा ना? Y बराबर कितना? F. बोलो तो Y बराबर कितना? F. जहाँ पर X लड़की पार्टी और Y लड़का पार्टी. X बोलो तो लड़की पार्टी, Y लड़का पार्टी. y बराबर fx, fx का मतलब बोलो तो कितना हो गया? x स्क्वायर. तो देखो अभी तो लड़का निकाले है ना, अब क्या निकालना है? लड़की निकालना. क्या निकालना है? लड़की को निकालो तो बोलो तो x बराबर कितना हो जाएगा? रूट y. लेकिन किस में? प्लस माइनस. किस में? प्लस माइनस में. अब देखो तो अब एक एक करके लड़का पकड़ो और देखो कि लड़की मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तो देखो तो यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तुम ऐसा करो ना कि लड़का नेचुरल नंबर है ना, दो नंबर लेकर उठाओ तो. दो नंबर लड़का उठाने से तो लड़की क्या मिलेगी? मान लो तो थोड़ा देर के लिए प्लस माइनस हटा भी दो तब भी हम बात कर रहे हैं. यदि दो नंबर का लड़का पकड़ो तो लड़की क्या मिलेगी? रूट टू. क्या मिलेगी? रूट टू. तो क्या रूट टू तुम्हारा नेचुरल नंबर होता है क्या? तो कम से कम दो नंबर लड़का तो शादी नहीं कर पाया ना. दुनिया का करे कि नहीं करे उससे मतलब नहीं है, कम से कम एक लड़का आपको मिला. वो कौन सा लड़का मिला? दो नंबर, जिसकी शादी नहीं हो पाई. ठीक है, आपको एक ही चेक करके दिखा देना है. तो क्या दिखेगा बोलो तो? डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स है ना, एक्स लड़की पार्टी. ठीक, और ऑल वाई बिलोंग्स टू लड़का पार्टी. सब लड़की के, सब लड़का के लिए लड़की नहीं मिल पा रही है. लेकिन आपको एक रीजन दिखाना पड़ेगा. आपको सिर्फ हवा में बात करने से नहीं चलेगा, एक रीजन आपको दिखाना पड़ेगा. इज इज वाई बराबर दो, ये तो लड़का है ना जी, लेकिन इसके लिए एक्स बराबर रूट टू, ये क्या नेचुरल नंबर है? नहीं मिला ना. इसीलिए इसीलिए एफ इज नॉट ऑन. आपको जब नहीं दिखाना है तो रीजन देना पड़ेगा. समझ गए? जब नहीं दिखाना है तो क्या देना पड़ेगा? एक रीजन आपको एनी हाउ देना ही पड़ेगा. जैसे यहाँ पर एक रीजन क्या दे दिए कि दो नंबर लड़का शादी नहीं कर पा रहा, जबकि सब लड़का शादी करेगा तभी यह फंक्शन आपका ऑन टू होगा. अब देखो, अब दूसरा नंबर केस में देखो तो क्या है? सेकेंड नंबर केस बोलो तो क्या है? सेकेंड नंबर केस एफ एक मैपिंग है इंटीजर जेड से इंटीजर जेड में, जहां पर बोलो एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर. एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर. एक छोटा सा फोटो बना लो, ये जेड और ये एफ, ये एक्स, और ये बोलो तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर. अब क्या चेक करना है? 1-1. बोलो तो क्या चेक करेंगे? 1-1. अब तो समझ में आ गया होगा ना तरीका कितना है. मेरे साथ बोलते रहो. fx1 बराबर कितना? fx2. फॉर ऑल. अब बताओ तो x1 x2 क्या है? लड़की पार्टी ना. लड़की पार्टी तुम्हारा क्या है? इंटीजर है. लड़की पार्टी बोलो तो क्या है? इंटीजर. अब बोलो तो तुम्हारा fx कैसे डिफाइंड है? x2 से. तो यहां बोलो कि x1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? x2 स्क्वायर. x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर. अब यहां पर वर्गमूल ले लो. वर्गमूल लेने पे कितना आएगा? प्लस माइनस में है या नहीं? पावर यदि इवन रहेगा तो हमेशा किस में आएगा? प्लस माइनस में. हालांकि सेम काम तो हम यहाँ पर किए थे, यहाँ पर भी प्लस माइनस लिए थे, लेकिन आप तो प्लस माइनस मिटवा दिए ना. क्यों? क्योंकि हमको चेक करना पड़ा कि भैया लड़की तो आपका नेचुरल नंबर है ना. नेचुरल नंबर है तो आप माइनस तो ले ही नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिख कर भी हम मिटा दिए थे. लेकिन यहाँ पर चेक कीजिए कि आप सही लिखे हैं.
लेकिन आपका क्या है इंटीजर, और इंटीजर तो प्लस माइनस होता ही है, इंटीजर तो प्लस माइनस होता है, यानी कि यदि हम यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिए हैं तो कोई गलती नहीं की। अब देखो तो तुम्हारा एक्स वन लड़की और एक्स टू लड़की का दोनों का हस्बैंड बराबर है कि नहीं? एक्स वन लड़की और एक्स टू लड़की का हस्बैंड क्या है? बराबर है। लेकिन क्या दोनों लड़की बराबर हो रही है? नहीं, एक बार प्लस में बराबर हो रही है और एक बार माइनस। इसका मतलब कि f आपका 1-1 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? f आपका 1-1 नहीं है। Therefore, f is not 1-1। जबकि सेम आपका डिफाइन था, यहाँ पर आपका fx बराबर x स्क्वायर है, इसके पहले भी आपका fx बराबर x स्क्वायर था, तो उस केस में आपका ये फंक्शन 1-1 हो गया था, लेकिन इस केस में आपका 1-1 नहीं हुआ। रीजन क्या है? रीजन आपका क्या है कि हाँ, आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था और यहाँ पर इंटीजर से इंटीजर, ये फर्क आपका पड़ जाता है। ठीक है, अब देखो तो अब हम लोगों का क्या चेक करना है? बोलो तो क्या चेक करना है? हम लोगों को ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए अब बोलो तरीका। अब तो हमको लगता है कि तरीका आप लोगों को समझ में आने लगा होगा, आने लगा ना जी। मेरा एम यही है कि आपको तरीका को सिखा देना, समझ गए? तरीका क्या बेटा? सिखा देना। बोलो तो y बराबर कितना? fx, जहां पर x लड़की पार्टी है और y लड़का पार्टी, नहीं? ठीक है, अब चलो y बराबर बोलो तो कितना है, fx बोलो तो कितना है? x स्क्वायर। अभी लड़का बराबर लड़की है ना, लड़का बराबर कितना है? लड़की। अब लड़की निकालो, क्या निकालेगा? लेकिन निकालो तो बोलो तो x बराबर कितना? प्लस माइनस रूट वाई। x बराबर कितना? प्लस माइनस रूट वाई। अब देखो तो तुम्हारा, अब देखना कि क्या हर लड़के का शादी हो पाता है कि नहीं। यदि हर लड़के का शादी हो गया तो फंक्शन ऑन टू होगा, अन्यथा ऑन टू नहीं होगा। अब लड़का पर लड़की देखो तो क्या है? इंटीजर है। लड़का क्या है? इंटीजर। ठीक है, और अब एक एक करके पकड़ो तो मान लो कि दो नंबर लेकर पकड़ो तो दो नंबर लेकर पकड़ लिया तो अंडर रूट कितना हो गया? दो। एक्स बराबर अंडर रूट टू है ना जी, तो अंडर रूट टू यानी कि एक्स को भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। लेकिन रूट टू इंटीजर है क्या? है रूट टू इंटीजर? नहीं ना। रूट टू क्या है तुम्हारा? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर है, ये आपका इंटीजर नहीं है। कुछ हो ना हो लेकिन कम से कम दो नंबर लड़का शादी कर पाया, दो नंबर के लिए लड़की मिली। जब दो नंबर के लड़की नहीं मिली तो एक लड़का कुमार हुआ कि नहीं हुआ जी? इसका मतलब ये फंक्शन आपको ऑन टू नहीं होगा, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना है? बोलो डज नॉट बिलोंग टू एक्स, है ना? एक्स लड़की पार्टी, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू लड़का पार्टी। लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा। इज, बोलो रीजन क्या देगा? y बराबर 2 बिलोंग्स टू लड़का पार्टी, y तो लड़का पार्टी है, बट x बराबर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू लड़की पार्टी, therefore f is not on 2, therefore f is not on 2। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो। तो अब हमको लगता है कि आप लोग का धीरे धीरे कंसेप्ट होने लगा, क्लियर होने लगा, बस यही हमको करना था। ए, देखो अब थर्ड नंबर इस बार तुम्हारा रियल नंबर है, कितना है? रियल नंबर। चलो आओ देखो तो ये थर्ड नंबर बोलो तो कितना है? एफ मैपिंग है रियल नंबर से, रियल नंबर में एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। ये वाला काम तुम लोग को बताओ कितना सेकंड लगेगा करने में? एक मिनट कहाँ से लगेगा जी? 10 सेकंड। ये जो है ना 2-4-5 सेकंड की तो बात है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया से समझ में आता है। अब बोलो तो क्या चेक करेंगे? 1-1। अब तुम लोग बताओ ईमानदारी से कि अब आ रहा है कि नहीं समझ में? ये समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम लोग की शादी कराया, लड़के की शादी किससे कराए? लड़की। समझ गए? यही चीज यदि हम जो है ना शुरुआती दौर में तुम्हारे एकदम स्टैंडर्ड टर्म लेकर चलते हैं ना, समझे में नहीं आता। जैसे अभी बोल रहे आज fx1 बराबर fx2, समझ में ही नहीं आता। इसीलिए हमको मजबूरी जो है कि लड़का लड़की करना पड़ता है।
अब बताओ तुम लोग समझ आया कि नहीं? बोलो तो डोमेन किसको बोलते हैं? लैकी को। रेंज किसको बोलते हैं? शादी हो गया। अब कोडोमेन किसको बोलते हैं? पूरा लेकर। एकदम क्लियर हो गया है ना? अब जिंदगी में तुम लोग नहीं भूले, और ऐसे देखो क्योंकि हम अपने ऊपर अप्लाई किए हैं। देखो हम इंटर में पढ़े किए चीज, हम ऑनर्स में भी पढ़े बेटा, ऑनर्स तक हम नहीं समझ पाए थे रेंज कोडोमेन और तुम्हारा डोमेन क्या होता है, ऑनर्स तक नहीं समझ पाए थे। जब पढ़ाना शुरू किया ना तब जो है कि हमको समझ में आया कि क्या होता है। तो चूंकि मेरे ऊपर बीता है इसलिए हम समझ सकते हैं आप लोग का दर्द। बोलो लेट fx1 बराबर कितना fx, हाँ या नहीं? fx1 बराबर कितना fx2, जहां पर बोलो तो x1 x2 क्या होता है? लेकी ना, x1 x2 लेकी, और लेकी बोलो तो क्या है? r, बोलो तो लेकी कितना है? r। अब fx1 बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो? x1 स्क्वायर बराबर कितना? x2 स्क्वायर, यानी कि x1 बराबर प्लस माइनस x2, दो पावर है ना, इवन पावर पे प्लस माइनस निकलता है। फिर भी एक बार चेक कर लेना कि लेकी क्या है, लेकी रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो प्लस माइनस हो ही सकता है। देखो दो को लेके उठाए x1 x2 और दोनों का हस्बैंड को क्या किए? बराबर किए, लेकिन दोनों लेके बराबर हुई? हाँ बराबर हुई, लेकिन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि ये फंक्शन 1-1 नहीं है, ये फंक्शन तुम्हारा 1-1 नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट 1-1, f 1-1 नहीं। अब देखो ऑन टू, ऑन टू के लिए बोलो तो क्या लिखते हैं हम लोग? लेट y बराबर fx, जहां पर x लड़की पार्टी और y बोलो तो लड़का पार्टी। अब बोलो y बराबर fx है ना, तो बोलो तो fx, fx किसके बराबर है? बोलो तो x स्क्वायर के बराबर है, x स्क्वायर हो गया। अब देखो अभी लड़का बराबर लड़की निकाले हैं, अब लड़की बराबर क्या करना है? लड़का, लड़की बराबर क्या करना है? लड़का, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया? y। अब एक एक करके लड़का पकड़ो तो देखो लड़की मिलती है तो पहले देखो तो लड़की क्या है? रियल नंबर। लड़का क्या है? रियल नंबर। तो ये रूट वाला है ना, तो रूट वाले केस में तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है, लेकिन दिक्कत कब होती है? जब अंडर रूट में माइनस हो जाए, जब रूट के अंदर कितना हो जाए? माइनस। जैसे माइनस एक नंबर लेकर या माइनस दो नंबर लेकर उठाओ तो नहीं है, माइनस दो नंबर लेकर उठाएगा तो दो नंबर, माइनस दो नंबर तो रियल नंबर है ये ना है जी, लेकिन अंडर रूट माइनस टू हो जाएगा, और अंडर रूट माइनस टू तो तुम्हारा रियल नंबर नहीं है, ये तो तुम्हारा इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कम से कम माइनस दो नंबर लेकर कुमारे रह गया ना जी, और रहा कि नहीं रहा उससे कोई मतलब नहीं है, एगो लेकर कुमारे रहा कि नहीं रहा, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेगा? Does not belongs to लड़की पार्टी, x लड़की है ना, हाँ, for all y belongs to लड़का पार्टी, तब रीजन देना पड़ेगा, नहीं है तो क्या देगा रीजन? Is y बराबर माइनस टू बिलोंग्स टू लड़का पार्टी, बट x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू does not belongs to लड़की पार्टी, therefore f is not on to, इसीलिए f on to नहीं है। अब देखो तो चौथा नंबर देखो तो कितना है, f एक मैपिंग है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, इस प्रकार से fx बराबर कितना है? x2। बोलो तो fx बराबर कितना है? x2। एक थोड़ा सा फोटो बनाने में तुमको क्या लगता है? बना दो इधर x और इधर बोलो तो x2। अब क्या लिखेंगे बोलो तो? 1-1। बोलो तो क्या लिखेंगे? 1-1। 1-1 का तरीका बोलो तो क्या होता है? लेटेंगे लेट fx1 बराबर fx2, तो बोलो तो fx1 किसके बराबर हो जाएगा? x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, ऑड नंबर में तुम्हारा प्लस ही निकलेगा, ऑड नंबर में क्या निकलेगा? प्लस। x1 बराबर बोलो तो कितना हो गया? x2। तो हो ना गया जी 1-1 हो ना गया, ये 1-1 नहीं हुआ बोलो तो? 1-1 हो गया। क्या लिखेगा बोलो तो? लिखेगा therefore f is 1-1, f 1-1 हो गया। अब बोलो तो क्या चेक करना है? on to चेक करना, क्या चेक करना है? on to, on to में बोलो तो अब क्या लेते हैं? let y बराबर fx,
एक्स लड़की पार्टी, एक्स बोलो तो लड़की पार्टी ना, एक्स लड़की पार्टी, वाई बोलो तो लड़का पार्टी। ए सुनो, अब एफ एक्स बराबर बोलो तो कितना है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, एफ एक्स बराबर कितना है एक्स क्यूब। अभी लड़का बराबर लड़की निकाले हैं, अभी लड़का बराबर क्या निकाले, लड़की। अब लड़की बराबर निकालो, क्या निकालेगा, लड़की बराबर बोलो तो एक्स बराबर कितना, वाई पे पावर वन बाय थ्री, एक्स बराबर कितना, वाई पे पावर वन बाय थ्री। अब एक एक करके लड़का पकड़ो, देखो कि लड़की मिलती है कि नहीं मिलती है। बोलो लड़की क्या है, क्लियर हो गया। अब मान लो कि तुम दो नंबर लड़का पकड़ो, कौन नंबर लड़का, दो नंबर पकड़ा, दो पे पावर एक बटे तीन, नहीं नेचुरल नंबर मिलेगा, दो पे पावर एक बटे तीन नेचुरल नंबर है जी, नहीं ना है। इसका मतलब कि कम से कम दो नंबर लड़का शादी नहीं किया, कम से कम कौन लड़का शादी नहीं किया, दो नंबर, तो अंटू नहीं होगा, हाँ या नहीं। तो क्या बोलेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स ना है, एक्स मतलब लड़की पार्टी, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई है तो लड़का पार्टी, लड़का पार्टी तुम्हारा क्या है एम। लेकिन बेटा जब तुम बोल रहे हैं नहीं, जब शादी तुम काट रहे हो तो तुमको एक रीजन देना पड़ेगा कि लड़की कान में, एक रीजन दे दो कि वाई बराबर दो बिलोंग्स टू लड़का पार्टी, वाई तो लड़का है बट एक्स बराबर दो पे पावर एक बटे तीन डज नॉट बिलोंग टू लड़की पार्टी। लेकिन दो नंबर लड़का के लिए लड़की तो मिले नहीं रहा है, देयरफोर एफ इज नॉट ऑन, इसलिए एफ ऑन टू नहीं। इसी तरह से एक बात बताओ कि पांच नंबर तुम लोग नहीं बना पाएगा, बन जाएगा ना, चलो फटाफट नोट करो। है बेटा सुनो तो देखो क्या है अगला क्वेश्चन। एफ एक मैपिंग है रियल नंबर आर से रियल नंबर आर, किस प्रकार से डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब आप लोग को बताया है ना, यस सर, कि आपको बड़का से बड़का उसमें क्या इंटीजर मिल सकता है, समझ गए, बड़का से बड़का इंटीजर क्या मिल सकता है, ठीक है। जैसे मान लो क्या, मान लो कि देखो इस तरह से थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि मान लो क्या कि हम लोग ले लिए 2.5, बोलो तो इसमें बड़का से बड़का इंटीजर कितना मिलेगा, दो ही मिलेगा ना। जब भी इंटीजर सोचना है इससे बाहर निकल के नहीं सोचना है, इसके अंदर ही। मान लो क्या कि 2.9999 रहेगा तो बड़का इंटीजर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, टू। इन्हें कि ये तीन के आस पास है ना, तो तीन मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है, तुमको यहीं तक रह कर सोचना है कि इससे या इससे कम। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, या तो यही मिलना चाहिए या इससे कम मिलना चाहिए। और इंटीजर तो कभी भी पॉइंट में नहीं होता है ना, इंटीजर पॉइंट में होता है बटे में नहीं होता है। मान लो क्या कि तुम्हारा इस तरह से दो, अब बोलो तो इंटीजर क्या मिलेगा, दो ही मिलेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी ये इंटीजर है, हाँ या नहीं। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो तो अब हम लोगों को चेक करना है 1 1 ऑन 2 के लिए, हम लोग लिखेंगे 1 1 के लिए। लेट fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 x2, ये कौन सी पार्टी है बोलो तो लड़की पार्टी है। यहां पे बनाना है तो बना दो एक फोटो, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये तुम्हारा f, x का किससे बोलो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देखो तो इसका मतलब कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x1 बराबर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x2, ठीक है। ये डज नॉट इंप्लाई करता है x1 बराबर x2, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x2 बराबर है, ये कभी नहीं कहता है कि x1 और x2 बराबर है। बोलो क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देखे कि 2.5 के वैल्यू कितना है 2 और 2.999 के वैल्यू कितना है 2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या अंदर वाला बराबर हुआ, नहीं हुआ। क्या लिखेगा, लिखेगा हाँ इज
2.6 बराबर है 2.7 का, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना मिलेगा, दो मिलेगा, बराबर कितना, दोनों का वैल्यू कितना मिलेगा, दो, बट 2.6 इज नॉट इक्वल टू 2.7। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो बराबर है, लेकिन क्या ऐसे नंबर बराबर है, क्या ऐसे नंबर बराबर आपका नहीं है, इसीलिए ये आपका 1-1 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे therefore f is not 1-1, f आपका 1-1 नहीं है। और on to के लिए देखो तो, on to देखो तो, जब भी on to आपका क्या होगा बेटा, जो आपका जो है ना, जो आपका ऑन टू का मतलब आपका लड़का पार्टी बताओ तो कौन लड़का का शादी हो रहा है, नहीं लड़का इधर ना है, तो लड़का जब भी शादी हो रहा है तो इंटीजर का शादी हो रहा है ना, कौन लड़का का शादी हुआ बोलो तो, जो लड़का इंटीजर है, कौन लड़का का शादी हुआ, जो लड़का इंटीजर है, यानी कि बोलो तो रेंज बराबर कितना हो जाएगा, रेंज बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, हाँ या नहीं, रेंज क्या मिला, सिर्फ इंटीजर, रेंज क्या मिला, इंटीजर, क्या ये कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन तुम्हारा बोलो तो कितना है, रियल नंबर, अब तुमको क्या मिला, इंटीजर, इंटीजर और रियल नंबर बराबर होता है क्या, नहीं होता है ना, क्या लिखेगा, इज नॉट इक्वल टू आर, दैट इज रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, therefore f is not 1-1, ये बुझाया कि नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हारा कौन लड़के का शादी हुआ बोलो तो, जो इंटीजर, कौन लड़के का शादी हुआ, जो इंटीजर, लेकिन टोटल लड़का तो रियल नंबर ना है जी, तो रेंज और कोडोमेन बराबर हुआ नहीं हुआ, इसीलिए फंक्शन आपका ऑन टू नहीं हुआ। अब फिर देखो इसी में एक और क्वेश्चन, देखो फोर नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक मैपिंग है आर से आर में, और एफ एक्स बराबर बोलो तो कितना दिया हुआ है, मॉड एक्स, बोलो एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, मॉड एक्स, हम लोगों को दिखाना है ये 1-1 ऑन टू है या नहीं है, बोलो तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, 1-1, क्या लेके चलेंगे, 1-1, लेट एफ एक्स 1 बराबर कितना, एफ एक्स 2, इसका मतलब मेरे साथ अभी ना हो, मॉड एक्स 1 बराबर कितना हो गया, मॉड एक्स 2, समझ गए, ये डज नॉट इंप्लाई करता है कि एक्स 1 बराबर एक्स 2 होगा नहीं, बोलो क्यों, यहाँ पर रीजन देखो, इज ए सुनो, इज माइनस 2 बराबर प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2, माइनस 2 किसके बराबर, 2 के बराबर है यार, मोड में है ना, माइनस 2 किसके बराबर, और 2 किसके बराबर, 2 के बराबर, लेकिन अंदर वाला समान हुआ, बट माइनस 2 तुम्हारा 2 के बराबर हुआ नहीं, ना हो पाया, हो पाया बोलो, इसका मतलब कि f तुम्हारा 1-1 नहीं, क्या लिखेगा, therefore f is not 1-1, f 1-1 नहीं है। अब बोलो तो क्या चेक करना है, अब ऑन टू चेक करना, क्या चेक करना बोलो तो, ऑन टू, ऑन टू में देखो तो एक बात बोलो कि कौन कौन लेकर का शादी होगा, जो मॉड है तुम्हारा, इस तरह से है ना, देखो इस तरह से है, ये तुम्हारा क्या है बेटा, रियल नंबर, ये तुम्हारा एफ, ये तुम्हारा मॉड है, बोलो तो कौन कौन लेकर का शादी हुआ, मॉड एक्स का मतलब पॉजिटिव लेकर ना, मॉड एक्स का मतलब कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के शादी हो रही है, यानी नेगेटिव लेकर का शादी नहीं होगा, नेगेटिव लेकर का शादी हो पाएगा नहीं, ना हो पाएगा, इसका मतलब ये तुम्हारा ऑन टू नहीं है। तो कैसे लिखेगा, रेंज बराबर 0 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव लेकर का शादी हुआ है, एक बात बताओ कि नेगेटिव लेकर शादी हो पाया, ये रियल नंबर के बराबर हो पाया, कहने का मतलब है दैट इज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ आपका ऑन टू नहीं। होप कि अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।